अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपसे एक रेसिपी शेयर करेंगे। आए हम आपको बताते हैं क्या रेसिपी है। आज हम बना रहे हैं चने का पुलाव। चने लेंगे हम बॉईल किए हुए, और दो अदद दरमियानी प्याज ले लेंगे, दो अदद टमाटर ले लेंगे, और 8 से 10 मिर्चें ले लेंगे। पीसेंगे इसको। और मसालों में लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून ले लेंगे, नमक हसबे जायका ले लेंगे। ये पिसा हुआ गरम मसाला है। अगर आप चाहे तो आप साबुत भी यूज़ कर सकते हैं, और अम्मी तो हमेशा मतलब पिसा हुआ ही यूज़ करती हैं। ये 2 टीस्पून है। ये काली मिर्चें, ये भी 2 टीस्पून है। और ये चाइनीज़ नमक है 2 टेबल स्पून। और चावल हम लेंगे 1 kg। और आलू अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, हमारे बच्चे शौक से खाते हैं इसलिए हम हमेशा ऐड करते हैं। 2 से 3 अदद आलू ऐड कर दें। ये देखें मिर्चें पिस चुकी हैं। सिंघाड़े ये रात को बाबा लेकर आए थे, हमने बॉईल कर लिए। अब सबसे पहले हमने एक पतीला लेंगे, उसमें सबसे पहले हमने ऑयल ऐड किया, उसके बाद हमने प्याज जो हमने काटी थी वो ऐड करी। अभी प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे बिल्कुल, बहुत कम, बस इतना पकाएंगे कि थोड़ा सा पक जाए। रयान को देखें, रयान बहुत तंग कर रहा है मुझे। और हमने टमाटर कद्दूकस कर लिए थे, अब हम वो ऐड करेंगे और साथ ही कुछ मिर्चें ऐड कर देंगे, हरी मिर्चें। साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें जो हमने पीसी थी वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक, फिर चाइनीज़ नमक और गरम मसाला, सब मसाले ऐड कर देंगे। हमने इसमें पुलाव मसाला भी ऐड किया, उससे जायका थोड़ा अच्छा हो जाता है। अगर आप चाहें तो आप भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे जो हमने काटे। आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें बॉईल किए हुए चने ऐड करेंगे। अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब हम इसमें 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। अगर 1 kg आप बनाएंगे तो 4 गिलास पानी ऐड कर दें, कम पड़े दोबारा, और अगर कम पड़े तो बाद में दोबारा और डाल दें। ये
आलू गलने तक और पानी बॉयल होने तक हम इसे रख देते हैं, फिर आपसे हम मिलते हैं। और ये चावल हैं, चावल हमने भिगो के रख दिए हैं आधे घंटे के लिए। अभी पानी बॉयल होगा, उसके बाद हम चावल ऐड करेंगे। फिनिश करो, शो नहीं करते ऐसे खाओ। आप घर में गंद मिलाते हो, हर चीज इधर उधर फेंक देते हो, है ना? पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ गए हैं? आज तो ध्यान के पापा भी घर में गाड़ी से ही करवाने के। अच्छा, आपको नहीं लेके गए? अभी आएंगे ना, फिर आपको लेके जाएंगे। सही, कहाँ जाओगे? पापा के साथ कहाँ जाओगे? बाइक बाइक में जाओगे? अच्छा, जोर से बोलो ना। सही से बोलो ना, जोर से। कैसे? चलें जी, हमारा पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे जो हमने भिगो के रखे थे। चावल ऐड कर लिए, अब हम इसमें नमक चेक करेंगे। अगर कम हुआ तो फिर हम और डाल देंगे, अगर बराबर हुआ तो फिर नहीं डालेंगे। नमक कम है, अब हम इसमें थोड़ा और नमक ऐड करेंगे। थोड़ी देर बाद दोबारा चेक करेंगे। नमक ऐड कर दिया है, अब हम इसको ढक कर रख देंगे। थोड़ी देर बाद फिर चेक करेंगे। सिंगाड़े खा रही हैं। नीचे से क्या है?
मन बिजी है खाने में। निकाली वो भी नहीं संभाली चा इतनी नहीं आ रही आपकी तो मतलब वो है ना आप आराम से बोलो बाद में चेक कर बोलो बम फाड़ो जोर से बोलो बस ना अब हम चावल में चमचा चलाएंगे दम पे अब हम चावल को दम पे रख देते हैं पाँच से दस मिनट के लिए इस तरह से कपड़े का दम लगाएंगे अच्छी तरह इसको बंद कर देंगे और फ्लेम कम कर देंगे फ्लेम जब चावल रेडी हो जाएंगे फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमारा पुलाव किस तरह बनाए और आप भी हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कमेंट में कि हम किस तरह बनी और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चे स्कूल से आ चुके हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना हमारे चैनल अभी बन गई थी ना खाना भी रेडी हो चुका है हमारा पुलाव तैयार है अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हमने खाना डिश आउट कर दिया है आप देख सकते हैं हमारा पुलाव कितना ज़बरदस्त बना है आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपको भी बहुत पसंद आएगा और ट्राई करके हमें कमेंट में लाजमी बताना कि हमारा पुलाव कैसा रेडी हुआ आज हमारे घर में फूफो आई हैं ये है उनका बेटा इसको तो आप जानते होंगे हाय हमारे चाय का टाइम है और फूफो ने आज हमें ट्रीट दिए ये देखें चेक तो करें किस तरह की हैं टेस्ट इनका कैसा है कैसा नहीं है मज़े के यहाँ खाना वगैरह खा के हम लोग फ्री हो चुके हैं खाना वगैरह खा के हम लोग फ्री हो चुके हैं रयान के चाचू रयान के लिए चूज़े लेकर आए हैं